हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यू के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है हमारे राज्य में प्रवेश करने का। यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता, बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्व सेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है माँ, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत! इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेया सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा महिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य? दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय महिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। महिष्मति सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है? जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए, वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। ये क्या है? क्षमा करे प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। है? भल्लाल देव, आओ भी।
प्रवीरा! बाहुबली आओ भी। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महिष्मते! माहिष्मति क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मति प्रिडमिन ब्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राणदान दे दिया जाएगा। कोरटा जा रहे फुफु, निम बिट रूल सुलंग दे। निम्टा डोजरस टेल मी हर तबुश क्राक ओइक निम बोमला मोहिनो जुकु लोहाक्वे। तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगी, क्या ये सच है? उनकास्ता मिनु पीजरा शुकुए। और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो? मिन बहत्ते जरत्रामा माश्वरति मृम्सा इंकनिम मिन महत्ति चुहर फ्रोत नमट श्वीक दे ता क्राक चुहर आर। तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा। उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए तो भी जीवित रहना होगा। ताबी क्रूल डंकरा रका अक्रा टड़ा उपी लुपी फिक्सेटी ताबी क्रूल डंकरा। ये तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा राजमाता, समर शंख फूंक दो। हार! हार!
तबूशारा। महासेना घात।
राजा। सेना, हमारा रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मति की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु, मृत्यु। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको यह कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ करेगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय मां।
माते।
गिद्ध उसकी आंखें नोच खाए और पेट से आते बाहर आ जाए, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। मेरा वीर पुत्र जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा भल्लाल देव है। जय भल्लाल देव, जय भल्लाल देव। भल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए, उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मति की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूं। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूं। ए शिवगामी, ये कैसा निर्णय है? काल किए का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। जो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहां का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मति का राजमुकुट पहनाया जाएगा, ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही है शासन। महाराज का बेटा, उनके बारे में सुन के तो हम धन्य हो गए। उन महापुरुष को एक बार अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं रहे, वो देवता अब नहीं रहे। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात। महेंद्र कौन? दादा कौन? वो नीच मैं हूं।